तो अभी मैं आपको ज़रा गुड्डे छोटे दिखाता हूँ, ये देखें ब्लैक कलर में आए हुए हैं, बड़े ज़बरदस्त माशाल्लाह। इन सब ने पता नहीं, अब ये देख लें जनाब, कुरी वन लिखा हुआ है, ये खुद इन्होंने तैयार करवाए हैं, कुरी वन लिखवाया है। तो नीचे भी देख लेते हैं, शर्की वन भी किसी भी लिखवाया था, तो वो भी अभी देखते हैं। बड़े प्यार प्यारे गुड्डे माशाल्लाह, ये देख लें जनाब, शर्की वन नहीं, मगर शर्की में पसंद हो रही है ये, शर्की वन, ये शर्की वन पता नहीं कैसा उड़ेगा और कैसे पीछे वगैरह से लगेंगे। शर्की वाना नाम तो मोहल्ले का लिखा हुआ है, तो अल्लाह करे काम भी एक नंबर करे और सही ज़्यादा पीछे काटे। इस साथ ये छोटे गुड्डे भी लाए हैं, क्योंकि अगर हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होगी, परियां वगैरह भी हैं, तो उस हिसाब से फिर ना हम इन नकने शने डाल के इनको उड़ाएंगे। ये देख लें परी, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त, ब्लैक और वाइट और रेड कलर में तीन पट्टियाँ इसमें, और ये पीले, फुल पीले, ये देख लें मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देख लें जनाब, फुल पीले, रेड इसका पान है, ज़बरदस्त एक तवा गुड्डा है ये। और साथ ये बैग शैग भी हैं, इनमें ये चरखड़ी वगैरह पड़ी हैं, इसमें देखते हैं क्या है, टेपें वगैरह हैं जनाब इसमें, और चरखड़ी भी पड़ी हुई है, और साथ पोसाखा की टेप, ज़रा उंगलियों पर चढ़ाएंगे ताकि उंगलियाँ ना कटें, और काफ़ी ज़्यादा गुड्डे हैं। ये देख लें, ये परियाँ वगैरह वही जो मैंने पहले आपको दिखाई थी, ये देखें ये परी ज़बरदस्त, ये भी परियाँ सारी, ये सारी परियाँ पड़ी हुई यहाँ पे। तो परी उड़ाने का भी अपना ही मज़ा है, लेकिन मुझे दरअसल ना ज़्यादा मज़ा आता है ये पान वाले इस तरह के गुड्डे उड़ाने का। तो परी भी उड़ाएंगे इंशाल्लाह, शर्की वन को भी नंबर देंगे, ज़रा माहौल सल सही गर्म हो, तो उसके बाद इंशाल्लाह शर्की वन को उड़ाएंगे और इन्जॉय करेंगे। ये अमर शाह जी के ऑफिस की तरफ से आए हैं मेहमान, पीछे से काट रहे हैं, हवा काफ़ी तेज़ है और हाथों का भी ख्याल करना है। हमने वैसे वो टेप लाई थी, डॉक्टर टेप, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। मैं और फादरी हमेशा की तरह मेरे साथ, आज ब्लैक वो नहीं आया, इसका आया भूसा नहीं आया, आज ब्लैक कपड़े, छत पे आ नहीं सकता था इसलिए हम जो है ना खुद ही आ गए छत पे। देख लें आप माशाल्लाह, हमारा बहुत दूर है, नजर नहीं आ रहा, इधर लगे हैं ना शाजी, किधर जा रहे हैं, वीडियो आपने सारी सेंड करनी है मुझे, ठीक है। मैं आपको बात बता देता हूँ शाजी, थोड़ा सा करीब आ जाए, पहले मैंने गुड्डा उड़ाया उतना ऊपर चला गया, गीला हो गया था, गीला इस वजह से हुआ है बादलों में जाके लगा। और अभी ये रॉकेट बन चुका है जनाब, आपको नजर नहीं आएगा, ये आपको नजर नहीं आएगा अभी। अभी जनाब बारी आ गई शर्की वन की, शाह जी इसमें करने शने डालेंगे, तो दुआ ये करते हैं कि शर्की वन अपना नाम कमाए। अमर शाह जी आज इनके घर ये बसंत का शोर मेला, गुड्डों का आके रश लगा हुआ है, और यकीन करें बड़ा ही मुश्किल हो जाता है गुड्डा बचाना अपना। तो देखते हैं, शर्की वन बेचारा जख्मों की ताब ना ला सका और इलाका गायर में जा पहुंचा। आज क्या अजान पसंद है, तो आपने कितने गुड्डे काटे हैं? चार गुड्डे जनाब अजान साहब ने काटे हैं आज, तो इसके बाद भी अजान पेचा लगाएगा, हम आपको दिखाएंगे चार गुड्डे अजान ने एक गुड्डे के साथ काटे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त अजान भी पेचे लगाता है। तो हवा काफ़ी तेज़ है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है आज, तो गुड्डे उड़ाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा है।
अजान आपने आज कितने पेचे काटे हैं जरा मुझे बताएं। चार पेचे काटे हैं जी। अजान साहब कुरी वन गुड्डा उड़ा रहे हैं, वो देखें जी, ये आपको नजर आ रहा होगा कुरी वन। अजान कुरी वन गुड्डा उड़ा रहा है जी और कह रहा मैंने चार पेचे अभी तक काटे हैं। माशाल्लाह काफ़ी मेहमान शाह जी के घर आज शुगर मेरा काफ़ी लगा, हवा थोड़ी कम हो गई है। अजान आपने टीटो पानी करनी है आज की नहीं करनी? आज नहीं करनी जी, आज पेचे काट रहे हैं अजान। ये क्या कर तुम के दे रहे डील दो डील देखा ना मैं क्या था ना। अजान तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त गुड्डा उड़ा रहा है वो। अजान काफी दूर गुड्डा है और अजान उड़ा रहा है। ये जनाब मेरे बहुत अच्छे दोस्त बाबर शाह जी, तो इनसे पूछते हैं माशाल्लाह दो घंटे हो गए गुड्डा उड़ा रहे हैं अभी तक इनका गुड्डा कटा नहीं है। शाह जी बताएं क्या वजह है जी, खास कौन सी वजह? ये अपने दोस्त फैसलाबाद से मंगाई है, देख लें आप क्या बात है। ये देखेंगे स्पेशल मंगाई है फैसलाबाद से डोर आई है माशाल्लाह जी, काफी देर हो गई शाह जी गुड्डा उड़ा रहे हैं। चटकनी के हिसाब से मिलती है लेकिन हमें चटकनी से नहीं, ये 100 मीटर के हिसाब से मिली है। शाह जी ने माशाल्लाह मीटर के हिसाब से डोर लाई है, ये देख लें जी डोर की चटकनी बहुत ही जबरदस्त। शाह जी तो मुझे बताएं हमारी डोर 4000 की डोर है। 4000 की? 4000 की डोर लाई थी, बहुत बड़ा गुड्डा। मैं आपको दिखाऊं ये नजर यकीन आपको नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने पेचे काटे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह जी, शाह जी ने काफी ज्यादा पेचे से काटे, पूरी वन इसके ऊपर लिखवाया हुआ है। तो इससे पहले हमने शर्की वन था वो मिस्टेक हो, शर्की वन जी आगे से काठी डल गया है वो, जिस तरह वो काठी का तो जिम्मेदारी नहीं है, काठी डल गया है तो गुड्डा काट गया। एक और बात मैं आपको बताऊं जनाब, कुरी वन हमारा गुड्डा एक उड़ रहा है, उसके साथ हमने ना लेफ्ट और राइट दो सिक्योरिटी के लिए दो गुड्डे छोटे बनाए हुए हैं ताकि कोई कुरी वन के ना करीब ना आ सके। तो बड़ी ही तेज खींचे मारनी पड़ती हैं कभी कभी, मुश्किल तब होती है जब एक छत से ज़्यादा बंदे गुड्डे उड़ाएं। तो अभी भी ये वही हाल है, बंदे काफ़ी ज़्यादा हैं माशाल्लाह और गुड्डे भी उड़ा रहे हैं। अपने साथ भी ना पेचा लगे ये तो प्रायोरिटी पर होती है बात। तो अमर शाह जी माशाल्लाह आज के सारी चीज़ों का अरेंज करने वाले